छोटा सा और एक बात पूछना थी जी, ये कि जैसे कि छोटा सा बच्चा है उसको पैदाइशी तौर पर उसको यानी कि मोशन का प्रॉब्लम ऐसी होती है कि उसके आंख जो है उसको मतलब वो यानी कि फुजला जो है उसको पुश करने की उसकी ताकत नहीं होती, हर वक्त थोड़ी थोड़ी उसको पैरालाइज टाइप की है पेट में उसकी आंख, तो इसकी इसको किससे मतलब हमें फायदा हो सकता है? लेवल 15 इंशाल्लाह। वैसा तो ऐसा केसेस पे जो पहले लेवल से भी अल्लाह क्योर करते हैं, लेकिन समझा क्या कि लेवल जो है वो एक डोज है, हाई डोज है जो इंशाल्लाह वो मिलते हैं तो अल्लाह अल्लाह ठीक करते हैं, क्योर करते हैं। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। जी बात हो रहे थे हमारे नेचुरल सेहत नेचुरलिज्म पे, नेचुरल सेहत पे, कुदरती सेहत कैसे बनाएं, तो हम बात कर रहे थे कि जो आपके ख्यालात हैं, जो आपके सोचे हैं, जो आपके सलूक हैं, जो आपके हरकात हैं, इसको अगर मुस्बत तौर तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो इंसान में बहुत से चेंजेस आते हैं, सेहत बहुत बेहतर हो जाते हैं। सबसे पहले हमें अपने सेहत को दुरुस्त करने के लिए मुस्बत सोच अच्छे हैं, और कोई भी चीज़ सोचें कि कोई भी चीज़ है अल्लाह ताला के जो आप खाते पीते हैं वो अल्लाह आपके उसमें शफा डाले और आपको शफा दें, तो इसलिए अगर आप इस तरह के सोचेंगे तो आपके तरीका इलाज भी कहीं ना कहीं अल्लाह ताला निकाल लेते हैं, क्योंकि अल्लाह की नियमतें जो भी आप लेते हैं हलाल नियमतें, एक होते हैं हराम, हराम कभी आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हराम जो है वो सेहत को ख़राब करते हैं, हराम जो है वो आपके माहौल को ख़राब करता है, हराम आपके औलाद के कॉन्फिडेंस में कमी ले आते हैं। ये मैं अपने से नहीं बता रहा हूँ, मैं नॉलेज के हवाले से आपको बता रहा हूँ। हराम खाना जो है, हराम जो है वो आपके नस्ल को हराम कर देते हैं, यानी उनके कॉन्फिडेंस में कमी आ जाते हैं, वो छोटे छोटे बातों पे चिड़चिड़े होते हैं, नाराज़ होते हैं, रोते हैं, या उनकी जहनी काम नहीं कर रहे होते हैं, या उसकी हरकतें बच्चों जैसे होते हैं, बड़े भी हो के, बच्चा बड़े हो के तो भी बच्चों जैसे हरकतें होती हैं, ऐसी हराम जो है इस वजह से आपकी सेहत ख़राब हो जाती है, आपके आइंदा नस्ल की ख़राब, क्योंकि गैर मुतमईन ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, इंसान अंदर से मुतमईन नहीं होते, तो जब इंसान अंदर से मुतमईन नहीं होते वो उसकी सेहत लाजमी ख़राब हो जाते। अगर मकसद नौजवानी में या जवानी में ख़राब ना हो तो ज़रूर कोई बुढ़ापे में किसी न किसी वक्त उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकता है, हार्ट डिजीज़ बिलखसूस और ऐसे प्रॉब्लम्स जो है ये हो सकता है। एक कॉल होल्ड पे है, बात करते हैं उसके बाद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी मैं हुमैरा बोल रही हूँ, लाहौर से। जी हुमैरा, क्या कहना चाहते हैं आज के प्रोग्राम में? हाँ जी, सबसे पहले तो सर मैं ये पूछ रही हूँ की ये आप कब आ रहे हैं लाहौर? लाहौर को इंशाल्लाह हम आ रहे हैं 28 को आ रहे हैं इंशाल्लाह। अच्छा, क्योंकि मैं कुछ एक चंद एक सवालात आपसे करना चाह रही थी। बिल्कुल आप कर ले। अच्छा सर, पहले तो ये मुझे थोड़ा सा ये इन्फॉर्मेशन चाहिए कि ये जो मास्टर्स आप लोग करवा रहे हैं जी, तो इसकी क्या फवाइद है और इसके करने के बाद हमारी लाइफ जो है वो मजीद कैसे बेहतर हो सकती है? जी मास्टर लेवल एक बेहतरीन लेवल है, एक जो सलाहियत आप ये सलाहियत आपके पास आ जाता है कि आप अदर्स को अट्यून कर सकते हैं, सही है? अच्छा, आप अदर्स को अट्यून कर सकती है, अट्यूनमेंट दे सकते हैं, ये बहुत बड़ी सलाहियत होती है, सही है? दूसरी बात ये आपके हीलर लेवल्स के पावर पे बढ़ जाते हैं, हीलिंग पावर बहुत बेहतर हो जाते हैं और अच्छे हो जाते हैं। चौथे बात ये है, चौथे बात ये है कि अगर किसी मकसद कोई भी ऐसे मुसीबत कोई ऐसे खुदा ना करता कोई प्रॉब्लम्स होती है तो वो एडवांस लेवल है, उसमें क्योर हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, अल्लाह बेहतर करता है, ठीक करता है।
जी बिल्कुल। बाहर से कुछ लोग अगर ये कोर्स करना चाहें तो उनको क्या करना चाहिए, मतलब कैसे वो कर सकते हैं? ऑनलाइन आप करवा रहे हैं क्लासेस या कैसे? जी बिल्कुल, बाहर से अगर कोई करते हैं तो बाहर से हमारे पास बड़े अच्छे सहूलियात है, ऑनलाइन हम इंशाल्लाह उनको अटेनमेंट दे देंगे और अल्लाह ताला ठीक करता है। बहुत से लोग लेते हैं बाहर से, कहीं से भी हो, डिस्टेंट अटेनमेंट। और सर ये जो कोर्सेज हम लोग रिपीट करते हैं आपसे, जब हमने कर लिया कोर्सेज, जितनी दफा हम रिपीट करते हैं तो क्या हमें इससे और ज्यादा एनर्जी भी मिलती जाती है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रिपीटिशन से होती है, बहुत अच्छा। और कुछ ऐसे प्रॉब्लम है जो हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं वहाँ पे आके और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग काफी हेल्प ले सकते हैं। किसी भी वक्त आ सकते हैं आप लोग? हाँ, बिल्कुल आ सकते हैं। जी सर, ये HMS-3 के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? HMS-3 के बारे में? HMS-2 तो आप करवा रहे हैं जी, तो 3 के बारे में कुछ लोग पूछना चाह रहे थे, तो वो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि उसके क्या करना चाहते हैं, उसमें हमारे लिए मजीद क्या आसानियाँ मतलब मौजूद हैं? जी HMS-3 जो है वो लोग कर सकते हैं जो HMS-1 और 2 से बेहतरीन, उसके 100% नतीज हो तो कर सकते हैं वो लोग। वो पेट बंद हो जाता है एक तरह का मतलब है जी, फिर आप 3rd लेवल कर सकते हैं लोग। हाँ जी सर, ये HMS जो हम लोगों ने किए थे 1 और 2 लेवल, उसमें बहुत ज्यादा रिलेशनशिप की जो प्रॉब्लम चल रही होती है घरों में, तो आजकल के तो बहुत कॉमन हो चुका हुआ है। जी जी बिल्कुल, तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनके रिलेशनशिप बिल्कुल खत्म हो चुके हैं मियां बीवी के, अगर आप मिसाल के तौर पर ले मैरिटल रिलेशनशिप जो है, ये आजकल बड़ा सारा घराना जो है वो बिखर रहा है, क्योंकि अगर एक हेड ही जो घर का सही नहीं है तो वो फिर बच्चों पे भी बहुत असरअंदाज होती है ये बातें, और जो सोसाइटी है क्या उसमें हम कोई चेंज ला सकते हैं HMS के जरिए? जी बिल्कुल, तब्दीलियां ला सकते हैं, अल्लाह ठीक करता है, क्योर करता है, बेहतर करते हैं, बिल्कुल। क्योंकि माशरे की सोच को चेंज करना बहुत बड़ा काम है, अगर हम समता के थ्रू पूरी सोसाइटी को चेंज करें, और स्पेशली जो मर्द सबका, क्योंकि मैं तो खवातीन की साइड से बोल रही हूँ, क्योंकि अगर मर्द भी कसूरवार हो तो फिर भी औरत को जिम्मेवार ठहराया जाता है। देखिये वो बात आपकी दुरुस्त है, बिल्कुल सही बात है कि बहुत से ऐसे कुछ होते हैं, लेकिन ये है कि रिलेशनशिप जो है चाहे किसी लेवल पे भी हो सकता है ना, ये मिलके करे तो सब जी, कसूर किसी का भी हो, चाहे वो मियाँ की बीवी की है, लेकिन अगर एक शख्स भी ये सीखते हैं तो दोनों की जिंदगी बेहतर होती है या बिल्कुल ठीक हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी सर, बस मेरी तो ये दुआ है कि आपकी कोशिशें और हमारी कोशिशें, हम मिलके हम सब लोग, ये नहीं कि बस अपना किया घर बैठ गए और बस ना वो बुला दिया और एक दूसरे से डिस्कस ना किया, सेल्फिश हो जाए, छुपा कर रखे, हम सब मिल के आगे बढ़े और इस कौम की ज़हनियत को चेंज करें, इस मुआशरे की ज़हनियत को चेंज करें, और एक ये नेशनल लेवल पे ये काम होना चाहिए। बिल्कुल होने चाहिए, हम लगे हुए हैं इंशाल्लाह, आप जैसे लोग और जैसे भी कोई टीमें बनवाए ना इस तरह की, कराची में तो आपने बहुत कुछ किया हुआ है जी, कराची में तो आपने बहुत कुछ किया, बड़े इंस्टीट्यूट बनाए हम लाहौर में भी, हमारे शहर में भी बनवाए। नहीं आप देखे, मैंने स्टार्ट ही लाहौर से लिया था, क्योंकि स्टार्ट मेरा लाहौर से 15-16 साल पहले, तकरीबन 15 साल पहले मैंने लाहौर से स्टार्ट लिया था। तो लाहौर से फिर इस्लामाबाद, कराची, पेशावर, क्वेटा और फैसलाबाद, इस जगह पे मैं करता रहा, मुल्तान आता और दूसरे ममालिक से, पहले दूसरे ममालिक में मैं करता रहा, तो फिर मैं यहाँ पर आया और अभी यहाँ में जो शेड्यूल है वो भी मतलब अगर बताना चाहे तो आप बता सकते हैं टीवी के ऊपर कि आपके कब वो वहाँ पे आप विजिट करते हैं और सारा कुछ? कहाँ पर? दुबई में और यूके में। हाँ बिल्कुल, दुबई यूके शेड्यूल के मुताबिक हम आपको इंशाल्लाह बता देंगे। वो होती है शेड्यूल, शेड्यूल बनाते हैं तो फिर बताते हैं, सब स्टूडेंट को पता चल जाते हैं इंशाल्लाह। सर मैं तो आपकी क्लासेस भी अटेंड की है और माशाल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला है और हर एक आपको दुआएं दे रहा है और 100% रिजल्ट है, और मैं तो हैरान होकर तक रह जाती है कि कैसी कैसी अल्लाह ताला ने सिपाही तवानाइयां जो है वो रखी हुई है, लेकिन हमें पता ही नहीं था इन चीजों का,
और समदा के थ्रू हमें ये डिस्कवर किया है, और आप यकीन करें कि ये बातें अब अगर हम किताबें पढ़ते हैं तो हमें समझ में आती हैं। सही, वरना पहले हम पढ़ते थे तो हमारी समझ में कुछ नहीं आती थी। अब तो साइंस के लॉज भी हमारी समझ में आते हैं, फिजिक्स के आप देखें, और सब कुछ हम जानते थे लेकिन हमें पता ही नहीं था। सही सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल। एक तरह से हमारी आंखें खोल दी हैं आप लोगों ने। बहुत अच्छा, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है। हमारे लिए दुआएं करें इंशाल्लाह, ज्यादा हमारे लिए आसानियां पैदा हो, अल्लाह ताला हमें और इल्म जो है अता करे आपके जरिए, और अब आए तो हम फिर आपसे और नई नई चीजें सीखें। अल्लाह अता फरमाए सब कुछ, अल्लाह ताला आपको अता फरमाए वो जो आप चाहती हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज। बहुत अच्छे गुफ्तगु हुई माशाल्लाह, और नॉलेज में इजाफा होने के लिए भी कारामत होती है, अंदरूनी सलाहियतें नॉलेज को गेन करने के लिए, इजाफा करने के लिए, नॉलेज को इजाफा करने के लिए, नॉलेज को बढ़ाने के लिए, नॉलेज को हाई करने के लिए आपको चाहिए अंदरूनी दुनिया आपके स्ट्रॉन्ग हो, पावरफुल हो, और अंदरूनी दुनिया को सही करने, और वो क्या है कि आप एक सोच से, अपने एक सोच से अपने ज़िंदगी को बदल सकते हैं। सोचों को बदल लो, ज़िंदगी ऑटोमेटिकली बदल जाते हैं। ख्यालात को बदल लो, ज़िंदगी बदल जाते हैं। अब ख्यालात को कैसे बदला जाए, मुस्बत तरीके के सलूक करो, अच्छी तरीके की, दीन ने हमें बड़े अच्छे तरीके सिखाएं। दीन कहते हैं ये गलत है, ये मत करना, ये सही है, ये करना, तो सही रास्ता जो दीन ने भी बताया उस पर भी अगर आप अमल करें, जो दीन ने बताया उस पर अगर आप अमल करें तो मैं समझता हूँ आपकी हर चीज़ बेहतर होना शुरू हो जाते हैं, सेहत भी, बहुत सारी चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाता है। तो दीन अल्लाह ताला ने आपको बहुत सारी चीज़ें अता की है, फरमाया, तो दीन के हवाले से आप अपने आप को बिल्कुल अखलाक अपना सही करो तो बस सही है। अपने ख्यालात को मुस्बत करो, अपने सोचों को मुस्बत करो, किसी के लिए बुरा मत सोचो और अपने लिए बुरा मत सोचो, आप कमज़ोर मत सोचो, तो सेहत वाकई बेहतर होना शुरू हो जाता है। साथ साथ मरगन ग़ज़ाएँ मत खाएं और सब्ज़ी फल इस्तेमाल करें, और अगर मकसद अफोर्ड नहीं कर सकते आप फल को या कोई ऐसी चीज़ों को, तो सादा खाना भी में बड़ी ताकत होती है, सादा खाने में, जो कि बहुत, ये जो जंक फूड है आप कहते होंगे कि फला जगह पे कोई बर्गर खाऊं लूं तो क्या बात है, लोगों की सेहत कितने अच्छे हैं, और वो ऐसे बर्गर शर्गर लेते हैं तो इतने अच्छे हैं वो, ये बिल्कुल गलत है, ये ऐसा नहीं होता है, सेहत ख़राब करते हैं जंक फूड जो है ना, वो सेहत ख़राब करते हैं, सादा ग़ज़ा अच्छे होते हैं। एक कॉल होल्ड पे है, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब जी, कौन आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का फजर है, अल्लाह का करम है। कौन कहाँ से बात कर रही है? मैं गुजरावाला से बात कर रही हूँ, मेरा नाम रानी है। रामीन जी, रामीन, आज मौजू के मुताबिक नेचुरल सेहत, कुदरती सेहत। मैं ना 2 महीने से आपका प्रोग्राम टीवी पे देख रही हूँ, बड़े शौक से देखती हूँ, और मुझे बड़ा ही इधर जो ना ये हो रहा है कि ये बंदा क्या चीज है, ये कैसे बीमारियों का इलाज होता है, आप मुझे ये बताएंगे कि मैं आपके साथ कैसे कॉन्टेक्ट करूँ? 2 सालों से प्रोग्राम देख रहे हैं, 2 सालों से माश। Watch me on Hack TV in Health, Wealth and Happiness program every morning at 8 a.m. and repeat at night at 1 a.m. Learn HMF, Human Magnetic Force, the world most successive formula. Learn world most powerful healing energy Samda. Attend my seminar in Lahore, Islamabad and Karachi. Heal and control all incurable disease through natural way of healing and connect with the nature. Control and enhance your mind power through natural way of healing.
with no side effects. For more info, call us and read my books and visit www.zealsciences.com and samadmusafir.com and watch my all program on YouTube and join our groups on Facebook. Join us and connect with the nature.